हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एग्जाम अगर आप देने जाते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, खास करके एनटीपीसी एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न आता है जो हमेशा आपको स्कोरिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन 10 से लेके 12 नंबर तक के यहाँ प्रश्न आते हैं। उसी प्रश्न का रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आए हैं। यहाँ पे हालांकि 3 ही प्रश्न है, क्योंकि ये आपका रीडिंग, साइकिलिंग और एक ट्रैकिंग से रिलेटेड ये प्रश्न है जो रेलवे के 2 अप्रैल 2016 का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे पार्ट में अगर देखते हैं तो कुछ समझेंगे। और इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से सारा वीडियो इकट्ठा आप देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में कंप्रिहेंशन में देखिएगा, तो यहाँ कह रहा है पहले वाले के संबंध में रीडिंग बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे ट्रिंगल है वो आपको रीडिंग को डिनोट कर रहा है। ट्रिंगल का आपका साइकिलिंग के लिए सर्कल है, और आपका आयत है नीचे या वर्ग कह सकते हैं, वो ट्रैकिंग से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न है छोटे छोटे, इसमें अगर आप स्किल है तो विद इन 1 मिनट ये प्रश्न होने वाले होते हैं। लेकिन कई बार गलतियों से लोग इससे प्रश्न को छोड़ देते हैं और कहते हैं बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण से ये प्रश्न इनका स्कोर चला जाता है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग, रीडिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताएं। थोड़ा सा मैं इसको स्केल में नीचे ला लेता हूँ तो इसको आपको दिख जाएगा। तो रीडिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना है, तो त्रिभुज में जितने भी हैं सबको आपको कैलकुलेट करना होता है। कोई लोग कंफ्यूजन से इस घेरा को छोड़ देते हैं, किसी इस को छोड़ते हैं, यानी प्रश्न की पढ़ने की स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए। यानी सिंपल सी बात कहें कि जो प्रश्न लिखा है उसी को आपको जवाब देना है। तो यहाँ रीडिंग केवल लिखा है तो रीडिंग में सब आएंगे जितने भी त्रिभुज के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा 33, 31, 12, 28, 12 और 44, इसको जोड़ते हैं तो आपको पहले अगर लास्ट वाले डिजिट भी जोड़ेंगे 4, 1, 5, 5, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 4, 10, 8, 18, 2, 20, आपको लास्ट डिजिट मिल रहा है 20। और ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इसी से आंसर का पता चल जाएगा, अंदाज़ा कि इसका आंसर 170 ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में सब में 4, 6, 7 है। इसी तरह अगर दूसरे डिजिट को भी जोड़ देंगे 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15 और 20 में से 2 हमारा जो बचा हुआ था 17, 117 आंसर है। 1 मिनट में अगले प्रश्न को देखेंगे तो और इजी इससे प्रश्न हो जाएगा, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं 47 नंबर को। इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न में आपको बताना है 47, हाउ मेनी पर्सन लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग बट नॉट साइकिलिंग। इसी में गलती होती है, आपको बताना है कि ट्रैकिंग और रीडिंग कर सकता है लेकिन साइकिलिंग नहीं करना है, यानी जो सर्कल में आएगा उसको आपको छोड़ देना है। कितनी आसान सी प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए रीडिंग भी होना चाहिए, तो रीडिंग और सर्कल में जो एक सर्कल यहाँ से और त्रिभुज का पार्ट यहाँ से कॉमन कौन सा है, तो केवल मात्र 28 यहाँ कॉमन है। तो इससे आसान प्रश्न कहाँ मिलेंगे। तो 1 सेकंड के प्रश्न आप देख के इसको कर सकते थे, यानी आपका आंसर डी हो जाता, इस प्रश्न का आंसर डी है और आपका आंसर 28 हो जाता। इसी तरह अगर 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 48 नंबर को, वो भी प्रश्न कुछ इससे भी इजी कह सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न इजी इजी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है जिसमें हाउ मेनी पर्सन लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग बट नॉट ट्रैकिंग, इस वाले को छोड़ देना है। और यहाँ से रीडिंग और यहाँ से सर्कल को जोड़ेंगे तो मात्र 31 एक ऐसा संख्या है जो आपको बताता है कि रीडिंग एंड साइकिलिंग करता है लेकिन ट्रैकिंग नहीं करता है। तो क्या 3 मिनट लगे इस हमें 3 प्रश्न को करने में, और इसके साथ साथ वीडियो बनाने में। अगर इसको आप अपने से करते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट लगता, और जो NTPC के एग्ज़ाम का टाइम डिमांड है उसमें आप टाइम सेविंग कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।